करनाल में 3 पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन और सख्त हो गया है। आपको बता दें कि सोमवार को 2 केस सामने आए थे, जिसमें एक सब्जी विक्रेता था जो पृथ्वी विहार इलाके का रहने वाला था, वहीं दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली से आया था जो कि करनाल में रामनगर इलाके में रहता था। वहीं न्यू उत्तम नगर नजदीक सेक्टर 6 करनाल में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले को देखते हुए एहतियात के तौर पर आदेश जारी किए गए हैं कि न्यू उत्तम नगर मकान नंबर 21 नजदीक गली नंबर 14 मकान नंबर 17 से लेकर 25 तक के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा न्यू उत्तम नगर वार्ड नंबर 4 को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। जिलाधीश के आदेशानुसार हालात से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसी के तहत इन क्षेत्रों के सभी संदिग्ध व्यक्तियों की जांच टेस्ट कराने के साथ साथ उन्हें क्वारंटाइन आइसोलेशन और सामाजिक दूरी में रखा जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और अलग अलग प्रबंधों की जिम्मेवारी दी गई है। मौके पर पहुंचकर DSP राजीव कुमार ने सभी प्रबंधों का जायजा लिया और परिजनों को कहा कि पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसकी अच्छाई मानता हूँ कि ये बच्चे ने अपने आप खुद जाके अपना टेस्ट करवाया है, नहीं तो इसका पता ही ना लगता, प्रशासन को भी ना पता लगता। तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है, लोगों के अंदर अवेयरनेस है, खुद जाके टेस्ट करा रहे हैं जो कोई बाहर से आ रहा था। ये बच्चा दिल्ली से आया था, तो मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि जो ये बॉर्डर हैं टोटल सारे सील कर दिए जाए ताकि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ ना आ सके करनाल के अंदर। हमारे करनाल की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई थी, अभी रिसेंटली कल में और आज में 3 केस आ चुके हैं, तो परेशानियाँ देखो बनी है। कुछ करनाल की कुछ जो छूट मिली है तो इसके मद्देनज़र रखते हुए भी थोड़ा सा हमें एहतियात बरतना पड़ेगा कि बाहर का व्यक्ति तो कम से कम अपने करनाल में ना आए, ताकि करनाल की जो स्थिति अच्छी बनी हुई है वो अच्छी ही बनी रह सके। तो मौजूदा पार्षद क्या कहेंगे? जो 3 पॉजिटिव केस हैं ये आपको बताया ही है, ये पहले से एडमिट थे, कोई इसका ये संबंध नहीं है कि अभी ये 2 दिन इसके कारण आए हैं। दूसरी बात मैं आपको वही बता रहा हूँ, सरकार की मंशा ये थी कि जो डेली जो जिनका अपना दिन में काम करें और वही खाते हैं उस तरीके से जो शॉप्स हैं छोटी छोटी जो उनका रोज़गार था, इसलिए प्राथमिकता शुरू की गई थी कि उनको कार्य मिल जाए काफ़ी दिनों से जो कि 40-45 दिनों के थे। लेकिन अब उस समय केस नहीं थे तो डिसीजन लिया गया था, और अब भी ये केस पहले से ही एडमिट है और दिल्ली से आए हैं 2 केस। तो हमारे यहाँ फिर भी मैं कहूँगा बहुत सिचुएशन कंट्रोल्ड है और डिस्ट्रिक्ट से कंपेरेटिवली, और आगे भी कंट्रोल्ड ही रहेगी। अब ये जो आए हैं यूथ हैं, ये ऐसी बात नहीं, रिकवरी करेंगे, भगवान जल्दी भी स्वस्थ रखे उनको और स्वस्थ कर दे जल्दी से, हम भी यही कामना करते हैं। लगता है सर डिसीजन गलत है सरकार का? नहीं, इस बात के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, आप कुछ नहीं कहना चाहते। तो ये मौके की ड्यूटी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.